चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो रीजनल रिंग रोड के लिए अराजी के हसूल में तेजी लाएं और रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त का जायजा भी लें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सीनियर हुकाम का एक इजलास मुनक़िद करते हुए रीजनल रिंग रोड के अराजी के हसूल पर तबादला ख्याल किया। इजलास में वजीर गोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, एम पी रघुवीर रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी व दीगर सीनियर अहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रीजनल रिंग रोड के लिए अराजी के हसूल में तेजी लाएं, रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त का जायजा लें और तमाम मुतालिका जिला कलेक्टर्स की रिपोर्ट्स के साथ अराजी के हसूल में हो रही पेशरफ्त की भी इतलात मुहैया करवाएं। इस इजलास के दौरान कलेक्टर्स को भी यह हिदायत दी गई है कि वो चीफ सेक्रेटरी को रोजाना की बुनियाद पर रीजनल रिंग रोड की पेशरफ्त के बारे में इतलात देते रहें। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि वो चाहते हैं कि अराजी के हसूल में शफाफियत को बरकरार रखा जाए। 179.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल संगारेड्डी अमंगल शादनगर चोटूफल स्ट्रेच पर मोहित रीजनल रिंग रोड के लिए उन्होंने कुछ तब्दीलियां करने का भी मशवरा दिया है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि तब्दीलियों का मकसद मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा करना है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का कहना है कि कर्ज माफी के बारे में हुकूमत जो कह रही है वो आधा सच और आधा झूठ है। बीआरएस तेलंगाना भर में 22 अगस्त से एहतजाजी प्रोग्राम शुरू कर रही है। सिलसिला एमएलए केटीआर ने एक बार फिर रियासती हुकूमत को ज़रई कर्जों की माफी को लेकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसान बरदरी के साथ कर्ज माफी के नाम पर धोखादही की जा रही है और हम रियासती हुकूमत के अलावा दिल्ली में उनकी क़यादत पर किसानों को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कल यानी 22 अगस्त को तेलंगाना भर में एहतजाजी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और ये एहतजाजी प्रोग्राम महज तहरीक की जद्दोजहद की एक शुरुआत है। जब तक हर किसान को गैर मशरूत तौर पर 2 लाख रुपये के कर्ज माफ़ी के वादे को पूरा नहीं किया जाता, बीआरएस अपना एहतजाज अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने गाजी बंडा के रहने वाले मोहम्मद अनवर के फर्जंदान को रकमी इमदाद हवाले की। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के गाजी बंडा के रहने वाले मोहम्मद अनवर उर्फ अनु इलेक्ट्रीशियन 14 अगस्त को अली नगर के एक मकान में बर्फी बहाल करने गए थे। ताहम बर्फी बहाल करने के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से उन्हें बिजली का झटका लगा और वो इंतकाल कर गए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मरहूम के नमाज जनाजा में शिरकत की और वर्सा को महकमे बर्फी से इमदाद दिलाने के अलावा अपनी जानिब से भी माली इमदाद की फराहमी का तयखुन दिया। दरियासना उन्होंने मरहूम के मकान पहुँच कर मालिक मकान की जानिब से दी गई रकम भी हवाले की। चालीबंडा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और इस बात की तहकीक कर रही है कि कहीं मकीनों की मुबैना गफलत और लापरवाही इस वाक़े का सबब तो नहीं है। शेर हैदराबाद में क्लासिक गार्डन के करीब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लगाई गई फ्लेक्सी गिर जाने से एक खातून जख्मी हो गई। शेर हैदराबाद में चहारशंबे को पेश आने वाले एक बदकिस्मत वाक़े में क्लासिक गार्डन के करीब बीजेपी का लगाया गया फ्लेक्स बोर्ड गिर गया जिससे एक खातून जख्मी हो गई। फ्लेक्स बोर्ड भारतीय जनता पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम के वर्कशॉप के लिए लगाया गया था कि यह हादसा पेश आया। हुकाम ने इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं। जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। साबिक वजीर व सिलसिला एमएलए केटीआर ने वाजे किया है कि बफर जोन और एफटीएल में उनका कोई फार्म हाउस नहीं है। जिस फार्म हाउस से मुतालिक बात की जा रही है वो उनके दोस्त का है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए वाजे किया कि हैदराबाद के किसी भी बफर जोन या एफटीएल पर उनका फार्म हाउस मौजूद नहीं है। उन्होंने वाजे किया है कि जिस फार्म हाउस से मुतालिक बात की जा रही है वो उनके दोस्त का है और अगर उनके दोस्त का फार्म हाउस एफटीएल या बफर जोन में पाया जाता है तो वो खुद उसे मुनहदम कर देंगे। केटीआर का कहना था कि जब कोई अच्छे इकदाम किए जाते हैं तो सबको उसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि एफटीएल और बफर जोन में वज़रा और बड़े कांग्रेसी कायदीन के तामीर किए गए महल भी हैं तो क्या हुकूमत या फिर हाइड्रा में इतनी हिम्मत है कि वो कांग्रेसी रहनुमाओं के
बनाए गए मकानात को मुनदम कर सके। नारायणपेट के उत्पुर मंडल मरकज में ज़रई कर्ज मुआफ ना किए जाने पर किसानों ने SBI के पास एहतजाज किया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में अहल किसानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वो गैर मशरूत ज़रई कर्ज मुआफ करने का मुतालबा कर रहे हैं। नारायणपेट के उत्पुर मंडल मरकज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करीब बुध को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब वहाँ पर किसान इकट्ठा हो गए। किसानों का कहना है कि वो कर्ज मुआफ़ी के अहल हैं, उसके बावजूद भी उनके कर्ज मुआफ़ नहीं किए जा रहे हैं। बैंक के करीब किसानों के एहतजाज की वजह से कशीदगी फैल गई। रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में सड़क पर गिरे हुए पेट्रोल के करीब माचिस की तीली फेंकने के बाद आग भड़क उठी। आग ने दुकानों और गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। ज़राए ने बताया कि अनंतपुर ज़िले के कल्याण दुर्गम कस्बे में एक शख्स ने पुराने बस स्टैंड के करीब से 5 लीटर पेट्रोल खरीदा। वो जब पेट्रोल लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो कुछ फ्यूल सड़क पर गिर गया। खतरे और इस बात से बेखबर करीब ही में मौजूद एक शख्स ने बीड़ी जलाई और माचिस की तीली पेट्रोल के करीब फेंक दी, जिसके नतीजे में वहाँ पर आग भड़क उठी और आग ने सड़क के किनारे मौजूद दुकानों और गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी बाशिंदों ने आग बुझाने के इकदाम किए और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। शाने रिसालत में गुस्ताखी करने वाले महाराज राजगिरी के खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमान बरदरी का शदीद एहतजाज जारी। एहतजाजों ने पुलिस से गुस्ताख रसूल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में महाराज राजगिरी ने शान रिसालत में गुस्ताखी की है और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक नामुनासिब तबसरे किए हैं। शान रिसालत में गुस्ताखी करने के वाक़े के बाद से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमान सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस से गुस्ताख रसूल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के अमरोहा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अकोला व दीगर मुकामात पर मुसलमान बरादरी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है और महाराज रामगिरी के किए गए तबसरों की मजम्मत की जा रही है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीनियर सहाफ़ी हबीब अली अल जिलानी के इंतकाल पर रंज व गम का इजहार किया। अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें फुरसा दिया। उर्दू के सीनियर सहाफ़ी व TUWJF के नायब सदर हबीब अली अल जिलानी मुख्तसर सी अलालत के बाद चारशंबे को इंतकाल कर गए। उनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक लड़का और 2 लड़कियाँ शामिल हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीनियर सहाफ़ी हबीब अली अल जिलानी के इंतकाल का इल्म होने पर उनके घर पहुंचकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें फुरसा दिया। आपको बता दें कि हबीब अली अल जिलानी मशहूर न्यूज़ सर्विस व उर्दू चैनल INN के ब्यूरो चीफ थे। उनकी नमाज जनाजा चारशंबे को बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद बारकस में अदा की जाएगी और तदफीन बड़ा कब्रस्तान बारकस में अमल में आएगी। नामवर सहाफ़ी हबीब अली अल जिलानी के इंतकाल की खबर आम होते ही सहाफ़ी बरादरी में गम की लहर दौड़ गई है। TUWJF के सदर MA माजिद, नायब सदूर जनरल सेक्रेटरी सैयद फौज मुहीउद्दीन, INN न्यूज़ चैनल के चेयरमैन व हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट समीर वलीउल्लाह व दीगर सहाफ़ियों ने ताज़ियत का इजहार किया है। नंदियाल ज़िले के श्रीसैलम में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से गाड़ियों की आमदोरफ्त पर असर पड़ा। ज़राए ने बताया कि मंगल की रात देर गए श्रीसैलम में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई और गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद खलल पड़ा। राहगीरों ने हुकाम से कार्रवाई करने का मुतालबा किया है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो। चारशंबे की सुबह मौके पर पहुँचने वाले एहलकारों ने प्रोक्लेन के साथ पत्थर हटाने के काम शुरू करवाए। रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अपोलो हेल्थ यूनिवर्सिटी में समय गजा खाने के बाद 70 तलबा बीमार पड़ गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ किया। ज़राए ने बताया कि अपोलो हेल्थ यूनिवर्सिटी में
कल रात का खाना खाने के बाद 70 तालिबे इल्म बीमार पड़ गए। उन्होंने खे और डायरिया की शिकायत की। तुलबा को फौरी तौर पर चित्तूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने तुलबा से कल रात खाए जाने वाले खाने से मुतालिक पूछताछ की है। हॉस्टल के मुंतजमीन और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी इम्कान है, क्योंकि 70 तालिबे इल्म बीमार पड़ गए हैं। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश, आइए अमराज से आज़ादी वो छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ता 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन जारी है, माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना, आवाम की खिदमत ही मीना हॉस्पिटल का नस्बुलाइन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। कांग्रेस लीडर एम महनमंत राव ने बीआरएस लीडर वो रुकने असेंबली सिद्दीपेट हरीश राव को चैलेंज किया है कि वो असेंबली की रुकनियत से मुस्तफी होकर उनके खिलाफ मुकाबला करके दोबारा कामयाबी हासिल करें, ऐसी सूरत में वो सियासत से सबकदोश हो जाएंगे और समाजी काम शुरू करेंगे। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि ज़रा कर्ज की माफ़ी पर इस्तीफ़ा पेश करने का हरीश राव ने ऐलान किया था, इस ऐलान के मुताबिक उन्हें फौरी इस्तीफ़ा पेश करते हुए दोबारा मुंतखब होना चाहिए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हल्के असम्बली सरद नगर के पद्माराव नगर पार्क में ओपन जिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर्स और बीजेपी के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उर्दू के सीनियर सहाफ़ी और तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब हबीब अली अलजीलानी का मुख्तसर सी हरारत के बाद इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। पसमांदगान में अहलिया के अलावा एक लड़का और दो लड़कियाँ शामिल हैं। हबीब अलजीलानी मशहूर न्यूज़ सर्विस व उर्दू चैनल INN के ब्यूरो चीफ थे। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरब जामा मस्जिद बारकस में अदा की जाएगी और तदफीन बड़ा कब्रस्तान बारकस में अमल में आएगी। सीनियर सहाफ़ी हबीब अलजीलानी के इंतकाल पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर जनाब एम ए माजिद, फेडरेशन के दीगर कायदीन मोहम्मद गौस मोहसिन के अलावा INN न्यूज़ चैनल के चेयरमैन व हैदराबाद कांग्रेस के सदर समीर वलीउल्लाह, न्यूज़ एंकर व सीनियर सहाफ़ी शेख अहमद अली और दीगर सहाफ़ियों ने पसमांदगान से ताज़ियत का इजहार किया। ECB के अहदेदारों ने वाटर बोर्ड अहदेदार को एक शख्स से 30,000 रुपये रिश्वत तलब व कबूल करते हुए पकड़ लिया। मनिकुंडा डिवीज़न 18 मैनेजर स्फूर्ति रेड्डी ने नवीन गौड़ आउटसोर्सिंग मुलाजिम के जरिए एक शख्स से नव तामीरशुदा इमारत के लिए पानी के कनेक्शंस के सिलसिले में ये रिश्वत तलब की थी। इस सिलसिले में की गई शिकायत पर ECB के अहदेदारों ने जाल बिछा कर इस अहदेदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव को रोकने की कोशिश पर कांग्रेस के दो कारकुनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये वाकया गदवाल में पेश आया था। गदवाल टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए ये मुकदमा दर्ज किया। एक हैदराबादी शख्स गुलाम मोइनुद्दीन कंबोडिया में साइबर क्राइम के अड्डे से फरार होने के बाद हिंदुस्तान वापस हो गए। कुरमगुड़ा मदनापेट के रहने वाले गुलाम मोइनुद्दीन ने हिंदुस्तानियों को धोखा देने में मुलविस चीनी कॉल सेंटर से फरार होने के बाद हिंदुस्तानी सिफारतखाने में पनाह ली। उनकी वापसी पर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने उनके बयानात की बुनियाद पर स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल के ग्रेजुएट गुलाम मोइनुद्दीन ने इब्तदा में स्वागत ग्रैंड होटल हबशीगुड़ा में वेटर के तौर पर काम किया था। अपने ख़ानदान के कर्जों के वजह से वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने बैरून मुल्क मुलाजमत के बेहतर मौके तलाश करने का फैसला किया। मलेशिया में काम करने वाले उनके एक दोस्त ने उन्हें एक एजेंट श्रीनिवास राव से मिलवाया, जिसने उन्हें बैरून मुल्क मुलाजमत का वादा किया। श्रीनिवास ने यूरोप के बजाय कंबोडिया जाने का मशवरा दिया और कहा कि ये एक तवील अमल है। उन्होंने असली पासपोर्ट हासिल कर लिया और वीज़ा के साथ साथ टिकट का बंदोबस्त किया। एजेंट को 50,000 रुपये मुंतकिल करने के बाद मोइनुद्दीन को बताया गया कि कंबोडिया में कॉल सेंटर की नौकरी उन्हें हासिल हो गई है।
उन्होंने चेन्नई का सफर किया, जहां उनकी मुलाकात एक और सालिस कार्तिक से करवाई गई। कार्तिक ने 65,000 रुपये नकद रकम का मुतालबा किया। वीज़ा हासिल करने के बाद गुलाम मोइनुद्दीन 20 जनवरी 2024 को कंबोडिया के लिए रवाना हुआ। कंबोडिया पहुंचने के बाद वहां पर उनका पासपोर्ट हासिल कर लिया गया और उन्हें एक एजेंट से मिलवाया गया। एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए उन्हें तलब किया गया और बताया गया कि उनकी तनख्वाह 800 अमरीकी डॉलर होगी। ताहम जल्द ही महसूस किया गया कि कॉल सेंटर के बजाय हिंदुस्तानियों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। वो किसी तरह वहां से निकलते हुए हिंदुस्तानी सिफारतखाना पहुंचने में कामयाब हो गए। सिफारतखाने के अहदेदारों की मदद से वो हिंदुस्तान वापस हो गए। बाइक की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा कल शब अत्तापुर पिल्लर नंबर 237 के करीब उस वक्त पेश आया जब बाइक सवार ने गाड़ी का तवाजुन खो दिया और राहगीर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। बोधन टाउन में आवारा कुत्ते के काटने के वाक़े में 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक हामिला खातून भी शामिल हैं जो अपने 4 साल लड़के के साथ सड़क से गुजर रही थी। ये वाक़ा बोधन टाउन के कुमर गली, टाटीकोटा और दीगर इलाकों में पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वो 2 रोज़ा दौरा करेंगे। किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का 45 साल के बाद पोलैंड का ये दौरा होगा। रियासत की मुख्तलिफ दलित तंजीमों ने SC दर्जा बंदी के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज किया। ये एहतजाज मुलगीर एहतजाज का हिस्सा था। इन दलित तंजीमों ने रियासती और मरकजी हुकूमतों से SC दर्जा बंदी को वापस लेने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे के मौके पर RTC बसों को RTC डिपोज तक ही महदूद रखा गया और नारेबाजी की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमाल जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।